हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें, ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है सफाई, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो घर के साथ साथ बच्चों के भी खिलौने सैनिटाइज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे ज़मीन पर इधर उधर लुढ़कने से लेकर उसके आसपास की हर चीज़ को छूने तक और हर चीज़ को मुंह में डालना, इन सब की वजह से यूजुअली बच्चे बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। ये क्लीनिंग का कोई बहुत अनोखा तरीका तो नहीं है, आपको भी पता ही होगा, बट फिर भी कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा तो मैंने सोचा ये वीडियो शायद आपके काम आ जाए। तो मैं 5 लीटर गर्म पानी में 1 कप विनेगर और 1/2 कप डेटॉल डालूंगी। इस वीडियो में मैं आपको हर तरह के टॉयज को क्लीन करने का आसान तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। बाहर से क्लीन है तो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी हो। बाथ टॉयज़ में अक्सर अंदर काई जम जाती है, पहले इन टॉयज़ के अंदर जितना पानी है उसको स्क्वीज आउट कर दें और इन्हें इस तरह स्क्वीज करके छोड़ देंगे तो विनेगर सॉल्यूशन इनमें अपने आप भर जाएगा। बाथ टॉयज़ जिनके नीचे होल्स हो वह ना ही खरीदे तो बेहतर होगा, मुझे पहले नहीं पता था बट अब ले ही लिया है तो साफ करना ही पड़ेगा। इनमें अक्सर पानी चला जाता है और बहुत दिनों तक ऐसे छोड़ देने से अंदर काई जम जाती है। सुदित्या को नहलाने के तुरंत बाद मैं उसके सारे बाथ टॉयज़ को क्लीन करके सुखा देती हूँ, वरना इन टॉयज़ में बहुत दिनों तक पानी जमा रहने के कारण इनमें कीटाणु पैदा हो सकते हैं, इसलिए बच्चों के बाथ टॉयज़ को हर दिन क्लीन करके ड्राई करना ज़रूरी है। इस तरह हम सारे बाथ टॉयज़ और प्लास्टिक टॉयज़ को विनेगर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में रात भर या कुछ घंटों तक छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ। सॉफ्ट टॉयज़ क्लीन करने के लिए मैं बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मशीन में 1/2 टब ही पानी भरा है। कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्ट टॉयज़ मशीन में डालने से ख़राब हो जाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। अब इसमें 1 कप विनेगर डालूंगी, आप चाहे तो डेटॉल भी डाल सकते हैं। एक बार चला लूंगी मशीन को ताकि सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाए और खिलौनों पे ना चिपके। एक ही बार में मैं सारे सॉफ्ट टॉयज नहीं लोड करूंगी मशीन में, थोड़े थोड़े करके धोऊंगी, इससे खिलौने बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इसमें दिए ऑप्शंस में टॉयज के लिए डेलिकेट या बेबी या सॉफ्ट के ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सॉफ्ट मोड में धो रही हूँ क्योंकि इसका वॉश टाइम कम है। ध्यान रखें कि इसमें डेलिकेट या बैटरी वाले सॉफ्ट टॉयज ना डालें, बेहतर होगा कि आप उन्हें हाथ से ही धो दें। ध्यान रखें डेली सोप का यूज ना करें, बेबी शैम्पू से धो के धूप में सुखा दें। अब सुदित्या के राइडिंग टॉयज को क्लीन करने वाली हूँ, तो इसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। 1:1 प्रोपोर्शंस में यानी कि इक्वल पार्ट्स में विनेगर और पानी का घोल तैयार कर लेंगे। इसकी जगह आप रबिंग अल्कोहल और पानी का भी घोल बना के तैयार कर सकते हैं। झूला तो इसे बहुत पसंद है और चूंकि इस लॉकडाउन में हम उसे बाहर पार्क में भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो घर पे ही इसके लिए झूलने का इंतजाम कर दिया गया है। तो इस पे खाते वक्त मुंह से कुछ गिर गया या खाते वक्त उन्हीं हाथों से इधर उधर पकड़ लेने की वजह से ये गंदा हो ही जाता है। तो पहले मैं इसे सोप वाटर से सॉफ्ट स्क्रब की मदद से क्लीन कर रही हूँ, ताकि इस पे लगे सारे दाग धब्बे पहले साफ हो जाएं। तो बाहरी हालात के चलते खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़ों को साफ रखें, हाथों को साफ रखें, घर को साफ रखें। जितनी सफाई से आप रहेंगे, भीड़ से बचेंगे, कोरोना वायरस के फैलने का खतरा उतना ही कम होगा। तो घर को साफ रखने के लिए घरेलू फिनॉइल या क्लोरीन ब्लीच काफ़ी होगा। अब मैं स्पॉन्ज क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ, ताकि जितना साबुन लगा हुआ है सारा का सारा अच्छे से इसमें सोख हो जाए। और अगर टॉयस बहुत ज़्यादा ही गंदे हो तो डाइल्यूटेड क्लोरीन ब्लीच सॉल्यूशन से भी आप क्लीन कर सकते हैं। 1 चम्मच ब्लीच को आप 5 लीटर पानी में मिक्स करके क्लीन कर सकते हैं, बट मैं विनेगर सॉल्यूशन ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि विनेगर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और नॉन टॉक्सिक भी है। और अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर से भी आप क्लीन कर सकते हैं।
रूटीन के हिसाब से तो अभी सुदित्या का सोने का टाइम है, पर चूंकि आज मुझे बहुत सारा काम है इसलिए नहीं सोने का ठान लिया है। मेरी इंस्पेक्शन ऑफिसर बन के मेरा काम चेक कर रही है मैडम। मैं काम करती हूँ तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके साथ खेलना है वरना इरिटेट हो जाएगी और रोने लगेगी, तो इसलिए उसके साथ साथ खेलते खेलते ही मुझे काम निपटाने की अब आदत हो गई है। सुदित्या के एक दो ऐसे फेवरेट टॉयज़ हैं जिन्हें वो अपने साथ साथ हर जगह लेके घूमती रहती है और बोर लगने पर उस डॉल के कान हाथ पैर सब मुंह में डाल के चबाने लगती है। कभी कभी तो उनको खाना खिला देती है और पानी फ्रूट जूस सब पिला देती है और इसलिए बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। तो जितनी बार भी मैं खिलौने देती हूँ उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो फिर से गंदे कर देती है और मुझे भी उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्हें वापस धोना पड़ता है। क्योंकि टॉयज़ क्लीनिंग का बच्चों के हेल्थ से डायरेक्ट लिंक है इसलिए खिलौनों को क्लीन करना अब मेरा प्रायोरिटी बन गया है। स्पेशली स्टफ्ड टॉयज़ के मटेरियल बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी बहुत सारे जर्म्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं। डॉल्स तो हर एज के बच्चों का फेवरेट टॉय होता है, उनको कपड़े पहनाना, बाल कंघी करना, घर घर खेलना किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता। तो इसे धोते वक्त इसके प्लास्टिक बॉडी को आप सोप वाटर से धो सकते हैं और अगर डॉल फैब्रिक से बनी है तो शैम्पू सॉल्यूशन से भी साफ करके धूप में सुखा सकते हैं। और चूंकि इनके बाल बहुत ही जल्दी उलझ जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली इन्हें धोना पड़ता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे महीने में कितने बार करना चाहिए। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड्स एज। जब सुदित्या एक साल से छोटी थी तो इसके टॉयज में वीकली वंस या ट्वाइस धोती थी, बट चूंकि अब वो 21 मंथ्स की हो गई है महीने में एक बार ऐसे डीप क्लीनिंग करने से काफ़ी होगा। लेकिन उसके फ्रीक्वेंटली यूज टॉयज को मैं डेली सैनिटाइजर से क्लीन करना प्रीफर करती हूँ। अगर दूसरे बच्चे आपके बच्चों के खिलौने से खेलते हैं तो आपको कीटाणु हटाने के लिए तुरंत खिलौनों को साफ करना चाहिए। इस तरह रेगुलरली क्लीन करने से हम बच्चों को हर दूसरे दिन सर्दी जुकाम पकड़ने से बचा सकते हैं। विनेगर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे कि हमारे टॉयज अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगे और इसके स्मेल का आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी देर बाद ये अपने आप गायब हो जाएगा। बैटरी से चलने वाले खिलौनों को क्लीन करते समय बैटरीज निकाल दें या फिर बैटरी पोर्शन को कवर कर दें, वरना इनके सर्किट्स खराब हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी जंग लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज को विनेगर सॉल्यूशन और गीले कपड़े से पोंछ दें। ध्यान रखें कि पानी अंदर ना जाए, इनके बस बाहरी सरफेस को ही क्लीन किया जा सकता है। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो मैं वेट वाइप्स को ही इस सॉल्यूशन में डुबा के खिलौने क्लीन कर रही हूँ। अगर वाइप्स अवेलेबल नहीं है तो भी पतला सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। टॉयज़ के कॉर्नर्स में बहुत गंदगी जमा हो जाती है और वहाँ हाथ भी नहीं पहुँच पाता, तो मैं इस तरह से वाइप्स के ऊपर से ब्रश चलाऊंगी जिससे कि खिलौने का हर कोना आसानी से साफ हो जाएगा और जितनी गंदगी निकलेगी वो इस वाइप्स पे चिपक के निकल जाएगा और देखते ही देखते खिलौने का कोना कोना बड़ी आसानी से चमक जाएगा। वुडन टॉयज़ को भी इसी तरह से क्लीन करना होगा। वुडन टॉयज़ या बैटरी से चलने वाले टॉयज़ को सोप सॉल्यूशन में सोक करने या धोने से खराब होने के चांसेस हैं। डिसइंफेक्टेंट तैयार करने का एक और तरीका ये है कि इक्वल पोर्शंस में रबिंग अल्कोहल और पानी मिक्स कर लें और उसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि टी ट्री ऑयल या लेमन ऑयल के ड्रॉप्स उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया फाइट करने के प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे जैसे मैं पेजेस घुमा रही हूँ साफ करने के लिए, वैसे वैसे सुदित्या इन सारे एनिमल्स के साउंड्स निकाल रही है। बस एक और इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग बच गया है जो हमने विनेगर सॉल्यूशन में बाथ टॉयज सोक करके रखे हुए थे, फटाफट उन्हें क्लीन कर लेते हैं। अब इन सभी टॉयज को अच्छे पानी से हम एक एक करके वॉश कर लेंगे। अक्सर ये जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो बेड के नीचे या अलमारी के पीछे पड़े होते हैं, तो इन्हें फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए। इन बाथ टॉयज के नीचे के होल में जो विजल होता है उसे ऐसे प्रेस करने से आसानी से निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस खिलौनों के अंदर कितना काई जमा हुआ है, तो हम बड की सहायता से ऐसे क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैल निकल रहा है।
अब अगर आप इसमें पानी भर के स्क्वीज आउट करोगे तो जितना सारा गंदगी था वो बाहर निकल आएगा। इसी तरह से हम सारे बाथ टॉयज को क्लीन कर लेंगे। क्योंकि मेरा कैमरा इतना माइन्यूटली कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो शायद आपको इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन सच में इसमें से बहुत गंदगी निकलती है। सारे टॉयज को पानी से अच्छे से धो लेंगे। अगर विनेगर का स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 2-3 बार और धो लें। इस बाथ टॉयज का एक और सॉल्यूशन ये है कि होल को आप क्लोज कर सकते हैं हॉट ग्लू की मदद से, जिससे कि पानी ही अंदर ना जाए। भले ही तब साउंड नहीं आ पाएगा, बट उससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो बस नहाते समय खेलने से मतलब है। अगर क्लीन करने के बाद भी काई नहीं निकलती है तो निसंकोच फेंक दीजिए, वरना ये आपके बच्चों के हेल्थ पे असर पड़ सकता है। अब इन सारे खिलौनों को आप अच्छे से धूप में सुखा लें। सुखाने से पहले अच्छे से बाथ टॉयज में से स्क्वीज कर करके झाड़ झाड़ के सारा पानी निकाल दें और सूखने के लिए छोड़ दें। अगर आप इस तरह से बच्चे के खिलौने साफ करते रहोगे तो आपका बच्चा हर समय निश्चित रूप से कीटाणु मुक्त रहेगा, जिसका मतलब है कि आप भी उतना ही टेंशन फ्री रहोगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी मम्माहुड।